का त्योहार है। सनरेज की टीम की तरफ से आपको दिवाली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज के दिन जिस तरीके से अयोध्या वासियों ने अयोध्या को सजाया था, आप भी अपने मन को उसी तरीके से सजाएं ताकि प्रभु राम का वास आपके मन में हो सके। आज के इस अवसर पर प्रभु राम से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर करते हैं। जिस समय लंका में युद्ध हो रहा था, उस समय एक माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर युद्ध भूमि की तरफ से निकल रही थी, तो लक्ष्मण जी का बाण उस बच्चे को लगा और वो बच्चे की मृत्यु हो गई। उस माँ ने उस बच्चे के शव को वहीं पर छोड़ा और तेजी से वहां से दौड़ी। लक्ष्मण जी ने उसको देखते हुए कहा, है तो असुरी ही ना, अपने बच्चे की मृत्यु के लिए एक पल भी रुककर विलाप नहीं किया और वहां से भाग निकली। भगवान राम ने लक्ष्मण की ओर देखा और सिर हिलाते हुए उसको नकारते हुए कहा, नहीं लक्ष्मण, ध्यान से देखो, उस औरत का आत्मसमर्पण संपूर्ण है, उसकी किसी चीज के साथ आसक्ति नहीं है। तुम उसे यहाँ बुलाओ और उसको पूछो कि क्या वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है या किसी और चीज के लिए भाग रही है। उस महिला को भगवान राम के सामने लाया गया तो भगवान राम ने यही सवाल उससे पूछा। उस महिला ने जवाब दिया, हे प्रभु, मेरा बच्चा मुझे बहुत प्रिय था, लेकिन मौत के हाथों ने उसको मुझसे छीन लिया। तो मैं तो उस दिन के लिए जीना चाहती हूँ कि जिस दिन प्रभु राम रावण को मौत के घाट उतार देंगे और ये लंका जो है असुरी शक्तियों से रहित हो जाएगी और यहाँ पर भी धर्म का शासन होगा, मैं उस दिन को देखने के लिए जीना चाहती हूँ। उस महिला के एक वाक्य ने बहुत बड़ी बात कह दी। रामायण और रामलीला को हम कितनी बार सुनते और देखते हैं, लेकिन उसमें से कुछ अगर हम ग्रहण कर पाते हैं अपने जीवन के लिए तो सनरेज की टीम को लगेगा हमारा प्रयास सफल हो। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉगिन करें।